हेलो स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर कर रहे हैं हम, 3.4 स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. दोनों मेथड से हमें सॉल्व करना है. फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन से भी. इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है तो x या y किसी एक की वैल्यू हम फाइंड करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन से x इज इक्वल टू 5 माइनस 1. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. 2 x इज 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4. ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 इंटू 5, 2 इंटू 1 माइनस 3y 4. y की दोनों टर्म्स नेगेटिव है, ऐड होंगी, साइन आएगा नेगेटिव. माइनस 5y 4 माइनस 10 इज माइनस 6. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हमारे पास आई 6/5. y की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, 5 माइनस 6/5 एलसीएम लेंगे, 5 इंटू 5 25 माइनस 6, 15 माइनस 6 9, सो 19/5. सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया, x या y किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की, x की फाइंड की, उसके हमने x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट की तो y आया 6/5. 6/5 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, x आया 19/5. अब हमें एलिमिनेशन अप्लाई करना है. एलिमिनेशन अप्लाई करने के लिए एक्स या वाई किसी भी एक वेरिएबल के कॉफिशियंट सेम करने होंगे. तो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4. एलिमिनेट करेंगे x को, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. सब्ट्रैक्ट करना होगा इक्वेशंस को, साइन सेम है इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, ऑपोजिट हो गए. 2x प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया. माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, 4 माइनस 10 माइनस 6. y की वैल्यू आई 6/5. पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, y इज 6/5 इक्वल्स टू 5. 5 माइनस 6/5 टेक द एलसीएम, 5 इंटू 5 25 माइनस 6 19, सो x इज 19/5. चाहे आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आंसर विल बी सेम. नोट इट डाउन, क्लियर है? सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की, उसे सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई. y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, x आ गया. सिमिलरली इलिमिनेशन में हमें क्या करना है, x या y किसी भी एक टर्म के कॉफिशियंट को सेम करना है. हमने x के कॉफिशियंट सेम किए तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, y आया 6/5, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट की, x आया 19/5. नोट इट डाउन. नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट हमें क्या गिवन है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2. यहां से हमने 2 कॉमन लिया, x माइनस y इज इक्वल्स टू 1. यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड की, 1 प्लस y, ये सेकेंड इक्वेशन है. तो आप फर्स्ट या सेकेंड किसी में से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो. यहाँ पे x का या y का कॉफिशियंट 1 हो, वहां से वैल्यू फाइंड करनी इजी होगी. अगर 1 नहीं है तब भी हमें सॉल्व करना है, 1 है तो कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी. x की वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10. 3 इंटू 1, 3 इंटू y, 4y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10. y की दो टर्म है, एडिशन है,
दोनों का साइन पॉजिटिव है, 4 + 3 7y 10 - 3 7, तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट की तो x आ गया हमारे पास 2। ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन, अब हमें इलिमिनेशन अप्लाई करना है। हमारे पास एक इक्वेशन है 3x + 4y = 10, दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = 2। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि y के जो कॉफिशियंट्स हैं वो सेम हो जाए, 2 × 2, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 4x - 4y = 4। ऑपोजिट साइन है तो हम इक्वेशन को ऐड करेंगे, 4 + 3 7x 10 + 4 14, x = 14/7, 2, x की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 4 × 2, या इसमें भी कर सकते हैं हम, 2 × 2 - 2y = 2, -2y 2 × 2 = 4, सो -4 - 2 - 2y, सो y = 1 एंड x = 2। जब भी हमें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, x या y किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, दूसरी में पुट करेंगे, वहां से हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी जो हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी होगी, तो हमारे पास सेकंड वेरिएबल आ गया। एलिमिनेशन में x या y दोनों में से किसी एक का कॉफिशियंट सेम बनाना है बट विद ऑपोजिट साइन, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो x आया 2, y आया 1, नोट इट डाउन।